आलू सागर बनाने के लिए 6 उबले हुए आलू, सेंधा नमक, स्पून धनिया की पत्ती, आधा चम्मच काली मिर्चा, 5 से 6 हरी मिर्चा, 1 चम्मच घी, 2 चम्मच कुट्टू का आटा और 1 चम्मच नींबू का रस चाहिए। सबसे पहले पैन में हम घी को गर्म करेंगे। हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हमने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको हम पैन में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद इसको खौलने दीजिए। खौलने पर इसमें हम हरी मिर्चा डाल देंगे। हरी मिर्चा को हमने लंबा लंबा ही डाला है, इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और लगभग 2 चम्मच कुट्टू का आटा डाल दीजिए। कुट्टू का आटा डालने से ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और अच्छा स्वाद आता है। इसको अच्छी तरीके से मिलाइए जिससे कि इसमें गुठी ना पड़े। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्चा और नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल दीजिए और सब मसालों को आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा आलू सागर तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। इसे हम कुट्टू की पूरी या पराठा के संग सर्व कर सकते हैं। मेरी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप www.mintsrecipes.com पर विज़िट कर सकते हैं। नमस्ते।